गुड मॉर्निंग गाइस, ये सुबह का वक्त है। मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी हो रही थी। बच्चों के लिए मैं नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैं देखिए बॉईल करके आलू छील रही हूँ क्योंकि मैंने आज बच्चों को लंच में आलू के पराठे दिए थे, तो इसलिए मैं आपसे सुबह मॉर्निंग में बात नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आप कि मैं बात कर पाऊँ आप लोगों से। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मैं आलू का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, इसमें मसाले डाल रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे पिट्ठी बोलते हैं जिसको, पिट्ठी बना रही हूँ मैं आलू की। यहाँ पे मैंने आलूओं को पिट्ठी को भरना शुरू कर दिया है लोई बना के। सुबह गाइस बहुत जल्दी होती है, आप समझ सकते हो मेरी इस प्रॉब्लम को, क्योंकि आप सब भी अपने बच्चों को स्कूल वगैरह के लिए भेजते हैं, चाय नाश्ता तैयार करके लंच भी तैयार करना पड़ता है बच्चों का। तो यही कारण है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, और फटाफट फटाफट मैंने सारी क्लिप को जल्दी जल्दी बनाया है फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि यहाँ सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं बात कर पाती आपसे। तो दोस्तों अब मैं मटर वगैरह छील के दोपहर के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चे आएंगे दोपहर में तो उनके लिए मैं मटर के चावल और ये क्या बोलते हैं इसको, बथुए का रायता बनाऊंगी। अब मैं तैयारी करती हूँ। अब तो देखिए दोस्तों मैं ये मटर छील रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँ, ताकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको खाना चाहिएगा। तब तक के लिए मैं दोपहर का खाना तैयार कर लेती हूँ। आज मैं उनके लिए मटर के चावल बनाऊंगी और बथुए का रायता और थोड़ी रोटी बनाऊंगी। रोटी भी खाना पसंद करते हैं बच्चे, चावल कम खाना पसंद करते हैं, रोटी ज़्यादा, इसलिए उनको चावल के साथ रोटी ज़रूर चाहिए होती है। दोस्तों यहाँ मटर के साथ मैं मशरूम भी डालूंगी चावल के अंदर, मशरूम का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और ये हमारे शरीर के लिए हमारे लिए बहुत पौष्टिक भी होता है मशरूम, इसको ज़रूर खाना चाहिए। हालांकि मेरे बच्चे थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, बट उनको मैं किसी ना किसी तरीके से या तो इनके सैंडविच बना के या चावल के साथ मिक्स करके या मटर के साथ इसकी सब्जी बना के मैं ज़रूर खिलाती हूँ उनको, ताकि उनको खाना सीखें वो लोग, हर सब्जी को खाना सीखें। बच्चों का क्या है कि सारी सब्जियाँ नहीं खाते हैं बट उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है हर सब्जी को। तो देखो मैंने ये इतने मशरूम ले लिए हैं और मटर भी ले ली है, अब मैं इनके चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। थोड़ा छोटा छोटा कर लेती हूँ, कुछ बड़ा हो गया है इसके पीसेस, थोड़ा सा छोटा भर देती हूँ। इसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है मशरूम के अंदर, इसको अगर फ्राई करेंगे हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसके अंदर। मेरी ये सब्जी कट चुकी है, मटर छिल गई, मेरा बथुआ भी मैंने साफ करके रखा हुआ है। अब इसको बॉईल करूंगी बथुए को, मैं इसे दिखा देती हूँ। मैं साफ करके मैंने पोलोथीन में भर के रख दिया था, देखो कितना फ्रेश फ्रेश है। फिर हमारे यहाँ फ्राइडे मार्केट लगती है तो तब हम सब्जी लेके आते हैं, तो इसलिए हम हरी पत्तेदार कोई भी सब्जी लाते हैं तो हम पहले ही उसको साफ करके रख देते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, वो फ्रेश रहे। इसको एक एक पत्ते को साफ करके चुन चुन के हम पॉलीथीन में भर के रख देते हैं। इससे क्या होता है गाइस कि सब्जी ख़राब नहीं होती और फ्रेश रहती है, आप 1 वीक तक कभी भी यूज कर सकते हो। अब एक प्याज और कट कर लेती हूँ साथ के साथ, ताकि चावल फ्राई करूँगी तो उसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो चावलों का जो स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है, तो वो हमें हमारे खाने, हम अगर उसको खाते हैं चावल को बिना उबाले स्टार्च को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उससे हमें
कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम उबाल के उनको दोबारा से फ्राई करके तब हम खाते हैं, वेजिटेबल्स डाल के फ्राई कर लो या ऐसे ही मसाले डाल के भी फ्राई कर सकते हो, तो वो हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई बीमारी नहीं करते। अब चलिए दोस्तों चलते हैं किचन के अंदर। तो गाइज अब मैं किचन के अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे सारे किचन को संभाल रही हूँ। थोड़ा जो मेरा फैला हुआ था सुबह मॉर्निंग का, तो उसको साफ़ सफाई कर रही थी मैं, सेल्फ वगैरह साफ़ करी, गैस साफ़ करी, कुछ बर्तन भी मैंने यहाँ पे वॉश करके रखे थे क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे मॉर्निंग में। काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के इसमें लंच में और उनका सारा लंच वगैरह पैक करने में। अब यहाँ पे मैं डब्बे में चावल ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से डब्बे में मैंने चावल रखा है, किस में मैंने दाल रखी है, ये सब मैं रखी भूल जाती हूँ कई बार। यहाँ पे थोड़े से मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ ताकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो वो सारे वॉश करके रख दूँगी। मैं चावलों को वॉश कर रही हूँ। फटाफट से बच्चों के लिए लंच तैयार करके रखना, आज मैं थोड़ा लेट हो गई, तो चावलों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो देखिए ये मेरे चावल धुल चुके हैं, अब मैं इनको छौंक देती हूँ यहाँ पे रख के। ये बथुआ भी उबल चुका है अभी मेरा, इसको ठंडा होने देती हूँ, तब तक के लिए मैं चावलों को छौंकती हूँ। चावल में कढ़ाई में बनाऊंगी, खुले कुकर में नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि कढ़ाई के चावल अच्छे लगते हैं। ये मैंने मशरूम और मटर को वॉश कर लिया है, सारी सब्जी को। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी एक बड़ा चमचा, तो गाइज अब इसमें मैंने चावल भी मिक्स डाल दिए, ऐड कर दिए हैं, अब मैं इनको मिक्स कर दूंगी सब्जी और चावल को। जी और चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी अपने स्वाद अनुसार, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिए इसमें। अब नमक ऐड करने के बाद इन चावलों को मैंने मिक्स कर दिया नमक अच्छे से, अब मैं इनमें पानी ऐड करूंगी। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, मतलब चावल अच्छे से पानी के अंदर डूब जाने चाहिए, और ये मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ तो कम से कम 1 इंच चावलों से ऊपर पानी होना चाहिए, क्योंकि खुले बर्तन में पानी ज़्यादा जलता है और ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुकर में कम पानी की ज़रूरत होती है। मैं इसमें अभी थोड़ा सा और पानी डालती हूँ, 1/2 ग्लास के करीब। अब मैंने इसमें 2.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इनको ढक के पकाऊंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी 10 से 15 मिनट के बाद, इसको फिर चेक कर लूंगी मैं, क्योंकि ये खुले कढ़ाई में बनाए हैं मैंने तो इनको बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी है। सो गाइस हम 5 से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हम चावलों को चेक कर लेते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इनमें से, क्योंकि ये खेत के चावल है, मतलब डायरेक्ट खेत से आए हुए चावल हैं ये, इनमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रखी है। बासमती के चावल हैं ये, असली बासमती, ये बाजार वाला मार्केट वाला बासमती नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पॉलिश वगैरह होते हैं ये चावल, ये शुद्ध खेत के चावल हैं। थोड़ा सा है अभी कच्चा, फिर
फिर से ढक देती हूँ इसको और धीमी आंच में पकाती हूँ इसे। गले हैं कि नहीं? सॉफ्ट हो गया पहले से, तो ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं एक बार इनको अच्छे से चला देती हूँ, हल्के हाथ से चलाऊंगी इनको। अच्छा चावल बन गया है, मेरे चावल बनके तैयार है। और अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको फिर से कवर कर देती हूँ, तब तक बच्चे आते हैं वरना ठंडे हो जाएंगे। और अब मैं बाकी घर का काम करती हूँ। तो अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घर की सारी साफ़ सफाई कर ली है, सारा काम से मैं फ्री हो गई हूँ और मैं नहा धो के भी फ्री हो गई हूँ। और अब यहाँ बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ। और रोटियों के साथ साथ मैंने यहाँ पे बथुआ को जो उबाल के रखा हुआ था उसका रायता भी मैंने बच्चों के लिए बनाया था। रोटियाँ मैं इसलिए साथ के साथ भी बनाती हूँ ताकि गर्मा गर्म खाते हैं बच्चे। तो अब मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ और इसके बाद मैं बच्चों को लंच डाल के दे दूँगी और बच्चे खा लेंगे। और मैं यहीं पे ब्लॉग को समाप्त करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आपसे। आज के लिए बस इतना ही, बच्चों को खाना खिलाती हूँ और मैं भी फ्री होती हूँ और आप भी खाना खाइए। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।